नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता और मेरे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य मयंक शर्मा जी। शुक्रिया कविता जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। अंकों का ज्योतिष शास्त्र में एक खास महत्व है। इसके जरिए ना सिर्फ आप इंसान के स्वभाव के बारे में जान सकते हैं, बल्कि उनके भविष्य का भी अंदाजा लगा सकते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे मूलांक तीन पर। तो मयंक जी, कोई कैसे जाने कि किसका मूलांक तीन है? देखिए, हम ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सा आज हम लेके आ रहे हैं कविता जी, न्यूमरोलॉजी के ऊपर। क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अपने बर्थ डिटेल्स भी नहीं है जी, अगर उसके पास जन्म समय नहीं है, अगर उसको ये पता है कि वो किस तारीख में पैदा हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति अपना भविष्य जान सकता है या उसके हिसाब से अपना प्रोफेशन चुन सकता है। यानी कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिर्फ पता होनी, सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, उससे आपकी सारा ये न्यूमरोलॉजी के द्वारा आपकी प्रिडिक्शंस हो जाएंगी। अब जैसे जो व्यक्ति 3 तारीख को जन्मे होते हैं या जो व्यक्ति 12 तारीख, किसी भी माह की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को जिनका जन्म होता है, तो उनका मूलांक बनता है 3। तो ये आप जान लीजिए कि अगर आप 12 महीनों के किसी भी तारीख में, अगर किसी भी माह में 3, 12, 21 और 30 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपका मूलांक 3 बनता है। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि कैसे जाने कि आपका मूलांक 3 है, लेकिन मूलांक 3 के स्वामी कौन से होते हैं? मूलांक 3 के स्वामी बृहस्पति होते हैं, गुरुदेव होते हैं। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद इनका मिलता है गुरुदेव का। और हम देखते हैं कि मूलांक 3 से संबंधित इनकी जिंदगी में बहुत शुभ और अशुभ घटनाएं होती हैं। यानी कि वो वर्ष जो परिवर्तनकारी होते हैं, जो वर्ष आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, या कुछ ऐसे तारीख जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, शुभ अशुभ घटनाएं इनकी इन्हीं तिथियों के अकॉर्डिंग होती हैं। यानी कि ये देखते हैं, ऐसा परिणाम हमने देखा है। तो मैं जी, आपने ये तो बता दिया कि मूलांक 3 के स्वामी खुद बृहस्पति देव होते हैं, तो ऐसे में मूलांक 3 वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है? देखिए, इनका स्वभाव बहुत अच्छा स्वभाव होता है। ये लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं और आगे बढ़ने की इनके अंदर लालसा रहती है हमेशा। और कभी कभार हमने देखा है कि ये लोग कभी कभार बड़े चुप और शांत भी रहते हैं। यानी कि थोड़ा सा ये हम कहते हैं ना कि अंतर्मुखी जो लोग होते हैं, मूलांक 3 वाले लोग ऐसे होते हैं, जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं, बहुत ही गंभीर स्वभाव के होते हैं, स्कॉलर टाइप के ये व्यक्ति होते हैं। और ये इनके अंदर एक बड़ी ये चीज होती है कि जो अपने ही लेवल में ये बातचीत रहना, सुनना, काम करना पसंद करते हैं, तो ये इनको एक इनके अंदर नेचुरली के जन्मजात ये चीज होती है जो ये करते हैं। और वैसे स्वभाव के बहुत अच्छे भी होते हैं, मिलनसार होते हैं। संगीत में इनकी बड़ी रुचि रहती है क्योंकि बृहस्पति इनके देव होते हैं और सबके हेल्पफुल भी रहते हैं जी। ये इनके अंदर बहुत बड़ी खासियत है इन मूलांक में भी कि सबकी मदद जरूर करते हैं ये। इसके अलावा और क्या क्या खासियत होती है मूलांक 3 के लोगों में? देखिए, मूलांक 3 के लोगों की अगर हम खासियत की बात करते हैं, जैसे हमने कुछ चीज़ें आपको बताई, इनका स्वभाव है, किसी से काम निकलवाने की कला इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, जो कि इसमें माहिर होते हैं, और किसी को किस तरह से कैसे इम्प्रेस करना है, क्योंकि ज्ञानी बहुत होते हैं, बुद्धिजीवी भी ऐसे लोग होते हैं, तो किसी को जल्दी इम्प्रेस करने की कला, काम निकलवाने की कला, इवेंट को मैनेज करने की कला इनके अंदर होती है। परिस्थिति अगर खराब हो गई तो उसको संभाल लेते हैं मूलांक 3 वाले, ये ऐसे लोग होते हैं, कभी भी विपत्ति में आके घबराते नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत होता है इनके अंदर, कभी डरते नहीं है, कभी झिझकते नहीं है, और कभी भी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं काम करने से, हमेशा सबकी मदद के लिए आगे आते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। तो मैं जी, आपने ये तो बताया कि मूलांक 3 वाले काफी ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, तो ऐसे में इनके लिए कौन सा कार्य क्षेत्र सबसे अच्छा रहता है जिसमें ये बहुत बेहतर कर सकते हैं? जी, जैसे हमने बोला कि ये बहुत अच्छे बुद्धिजीवी होते हैं, तो इनके लिए जो प्रोफेशन बहुत अच्छे हमें नजर आ रहे हैं, जैसे हमने जो देखा है लेक्चरर होते हैं, टीचर होते हैं स्कूल में, या ऐसे लोग प्रिंसिपल भी बन जाते हैं, प्रशासक ये लोग अच्छे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े अच्छे जा सकते हैं लोग, और मैनेजमेंट में ये लोग बहुत अच्छे सफलता हासिल करते हैं। गुरु से प्रभावित क्योंकि मूलांक 3 है, तो तकनीकी क्षेत्र भी इनका बहुत अच्छा रहता है, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर बनते हैं ये, और तकनीकी क्षेत्र से इनको बड़ी अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे गायक भी होते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी भी ये लोग बन जाते हैं, स्कॉलर होते हैं, धर्म गुरु देखे गए हैं जो मूलांक 3 से जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छे डॉक्टर भी हमने देखे हैं मूलांक 3 वाले। तो गुरु का प्रभाव इनके ऊपर है, तो गुरु का शुभ आशीर्वाद मिलता है, तो ये भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। एक हम कहते हैं ना कि हरफन मोला होते हैं ये, अगर इनको कोई भी काम करने को दिया जाए तो उसमें सफलता हासिल कर ही लेते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि गुरु बृहस्पति देव की कृपा इन पे ज्यादा रहती है, तो ऐसे में इनका जो स्वास्थ्य होता है वो कैसा रहता है? देखिए, इनको थोड़ा सा पेट संबंधी कोई परेशानी रह सकती है, या लीवर में कोई इन्फेक्शन वगैरह, लीवर संबंधी कोई रोग इनको होते हैं,
और जॉइंट्स पेन इनको कभी कभी ये दिक्कत रहती है, तो इस चीज़ का इनको खान पान का ध्यान रखना चाहिए। तो अन्यथा ये लोग बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने से इनको कोई ऐसी संबंधित कोई परेशानी आ जाती है, एसिडिटी की मात्रा भी अधिक रहती है, या फिर इनको घुटने में या जोड़ों में दर्द की समस्या रहेगी, तो इन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। और बाहर के खान पान में सलाह दी जाती है आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, यानी कि लोगों को पेट संबंधित और जोड़ों से संबंधित या लिवर संबंधी रोग इनको ज्यादा हो सकती है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मूलांग तीन वालों के लिए कौन सा साल सबसे अच्छा रहता है, कौन से दिन उनके लिए शुभ रहते हैं और कौन से महीने। देखिये मूलांक तीन वालों के लिए जो भी तीन से प्रभावित जो वर्ष होते हैं वो इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2019 इनके लिए बहुत शुभ रहेगा मूलांक तीन वालों के लिए। और जो मूलांक इनके जो मित्र होते हैं, यानी कि अगर इनकी तीन से तो बहुत अच्छी दोस्ती रहेगी, खुद का मूलांक है, एक मूलांक हो गया जिसका स्वामी सूर्य है, छह मूलांक हो गए जिसका स्वामी शुक्र है, और नौ मूलांक जिसका स्वामी मंगल है, इनके साथ इनकी बहुत अच्छी मित्रता रहती है। इनके साथ ये ऐसे जीवन साथी अगर इनके बनते हैं मूलांक से संबंधित, तो वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा इनका रहता है, या बिजनेस पार्टनर अगर ये चुनते हैं इन मूलांक से तो बहुत अच्छा इनका रहता है। और थर्सडे और फ्राइडे इनके लिए बहुत शुभ दिन होते हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे इस दिन इनको अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए। और मार्च का महीना, जून का महीना, सितंबर का महीना इनके लिए विशेष शुभ और लाभकारी रहता है। इन महीनों में इनको कोई गुड न्यूज़ मिलती है, इनकी तरक्की होती भी देखी गई है, ऐसा हमने देखा है। ये कुछ ऐसे मूलांक हैं जो कि इनके लिए बहुत शुभ है। बिल्कुल, तो मैंने आपने ये तो बताया कि मूलांक तीन वालों के मित्र जी कौन से होते हैं, लेकिन अगर बात करें शत्रु की, तो ये शत्रु मतलब थोड़ा जिन्हें थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए जिन लोगों से। देखिए इनका मूलांक चार के साथ परस्पर वाद विवाद बना रहता है, मैमन से रहता है, मूलांक आठ के साथ, इन दोनों के साथ इनकी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं होती है, या आपको इनके साथ किसी भी तरह की डील करने से बचना चाहिए इन दो मूलांक के साथ। यानी कि चार हो गया और मूलांक चार और मूलांक आठ वाले लोगों को, मतलब इन लोगों से मूलांक तीन को बचना चाहिए। लेकिन अब बारे मतलब अब तक हमने जान लिया कि मूलांक तीन वालों का स्वभाव कैसा होता है, उनमें क्या खासियत होती है, आपने ये भी बताया कि कौन सा साल उनके लिए अच्छा होता है, कौन सा महीना अच्छा होता है, और किन लोगों से उन्हें थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। लेकिन अब बारी आती है कमियां की, ऐसी कौन कौन सी इनमें कमियां होती हैं जिन्हें दूर करके ये और भी अच्छे बन सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा अंतर्मुखी स्वभाव के रहते हैं, तो लोगों में ज़्यादा सोशलाइज नहीं होना चाहते हैं, तो पार्टीज वगैरह से भी थोड़ा दूर रहते हैं, लोगों के साथ मिलनसार कम होते हैं, तो कई बार लोग इनको थोड़ा घमंडी समझने लगते हैं कि शायद ये हमारे से बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, बुद्धिजीवी तो होते ही हैं, थोड़ा सा अपने आप को अलग रिजर्व रखते हैं, तो इनको ये आदत अपनी बदलनी चाहिए। रिजर्विंग नेचर अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपसे बात ही ना हो पाए, किसी के साथ कन्वर्सेशन ना हो, तो बहुत ज़्यादा रिजर्व रहने से बचना चाहिए। और ओवर कॉन्फिडेंट भी कई बार आप हो जाते हैं, इससे भी आपको बचना चाहिए। हेजिटेशन बहुत अधिक रहती है किसी से भी बात करते हुए, यही एक कारण है कि रिजर्व भी रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं क्या बात की जाए, कैसे करनी चाहिए, उस चीज़ से इनको रिजर्विंग नेचर को अपना बचा के चलना चाहिए। और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या समझते हैं कि हम ही सबसे बड़े टॉप क्लास हैं, तो घमंड इनके अंदर कई बार ईगो आ जाता है, कहीं ना कहीं दिख ही जाता है जी, तो उस चीज़ से भी इनको बचना चाहिए, तो फिर इनको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो चलिए आज हमने मैंग जी से जाना कि मूलांक तीन वाले लोगों के बारे में, उनकी खासियत, उनके स्वभाव के बारे में, उनमें जो छोटी छोटी कमियां होती हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हमने मूलांक तीन पर चर्चा की है, और हमारे आने वाले कार्यक्रम आगे के मूलांकों को लेकर होंगे। अगर आप भी अपने मूलांक को जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें ज़रूर दें, ताकि मैंग जी आपको बता सके कि आपका मूलांक कौन सा है। और इसी तरह अगर आपके भी ज्योतिष से संबंधित या फिर वास्तु से संबंधित कोई भी विषय के ऊपर आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम उन सवालों को, उन विषयों को अपने आने वाले कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे और मयंक जी के साथ बैठकर उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि कविता को और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।